खास रिपोर्ट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरविंदर, साढ़े नाल हर वार की तरह अनिल डोगरा जी ने। डोगरा साहब स्वागत है। गुरविंदर जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुसी मैनू इस मंच तो अपने दर्शकों का साढ़े जेडे टीवी दे चकदे टीवी वो दर्शकों अपने विचार सांझे करने का मौका दिता और उन्होंने एक किस्म का रूबरू होने का भी अवसर मिले। डोगरा साहब आज गलबात करांगे 328 पावन सरूप की जिहड़ी बेअदबी हुई है SGPC वल्लों, जिहड़े उन्हां सरूपां लापता होए सी जिस ते कमेटी बनाई गई, उस बारे चर्चा करांगे, जिस नूं लैके हुण सिख जथेबंदियां दा जिहड़ा रोस है वह दिन ब दिन वधदा जा रहा है। सिख जथेबंदियां एक मोर्चा लगा दिता दरबार साहब के अंदर, उस मोर्चे नूं लैके तुहाडा पहला प्रतिक्रम की है? गुरविंदर जी सब तो वड्डी गल तो है कि पंजाब जिहड़ा है ये सिख राजनीति दा तोड़ा है। ये अगर सिख सियासत है नहीं तो समझो भी पंजाब की सियासत ही खत्म है। और सिख सियासत से सब तो वड्डा जिहड़ा गलबा है वो हैगा अकाली दल तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो उहदे नाल ला लो तुसीं श्री अकाल तख्त साहब जिहड़े एक बहुत वड्डी सिख सीट है। हाँ जी हाँ जी, जिन्हों टेंपोरल सीट कहा जाता है और जितों हुक्म जारी होंगे ने और उन्होंने हुक्मों मनन हर जिहड़ा सिख धर्म नूं मनन वाला या सिख व्यक्ति है वो पाबंद है। देखो कई गल्लां ऐसियां होंदियां ने जदों कोई आदमी यह समझदा भी मैं हुण बहुत ज़्यादा उच्चा हो गया, चाहे वह अपने आप को सियासत च समझे चाहे धार्मिक संगठन च समझे, जिदा SGPC है या श्री अकाल तख्त साहब ने या होर जिहड़े अकाल तख्त साहब ने नाल चार होर जिहड़े वड्डे वड्डे तख्त ने अपने, तो हुण चक्कर यह है कि अपनी सियासत नूं चमकाउण लई हर जिहड़ा लीडर है वो कोई ना कोई राह लभदा ही रहिंदा है। और इस वे जो सिख सियासत जिस भंबल भूसा ही पई हुई है, एक तो यह हैगा भी किसानों की गल नहीं सुनी जा रही, यही साढ़े सुखबीर बादल जिन्हों के परिवार का SGPC से गलबा है और यह भी इस गल तो भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिहड़े श्री अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामे जारी होंगे ने वो भी इस बादल परिवार तो प्रभावित होंगे। एक बहुत वड्डी जिहड़ी साढ़े पंजाब की बदकिस्मती है कि धर्म के नाँ ते असीं बहुत कुछ कर दिंदे लेकिन यथार्थ जिन की जो एक्चुअलिटी है उन्हों अखों पतोखे कर दें। 328 पावन स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने लापता हो जाने जां इद्दत उद्दत करते हैं जां उन्हां नूं किसी दे अगर किसी दे घर च सुशोभत ने उतों चुक के लै आना पेटा ना देना फिर उन्हां नूं टाली जाना रिकॉर्ड च नहीं है, रिकॉर्ड च है नहीं, एक बहुत वड्डी बेअदबी है साढ़े एक बहुत वड्डे महान ग्रंथ नाल। देखो अगे ये बैबल कलां मसला आया, हाँ बिल्कुल, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग मिले, अगर वो एक अंगां दी बेअदबी नूं अहीं इन्नी इंपोर्टेंस दिंदे आ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਉੱਠੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਟਾਲੇ ਮਟਾਲੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਤਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜਾਪਨ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 328 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਸ ਮੈਟਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 50 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ 328 ਜਿਹੜੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ 328 ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਫਸਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ
हो सकता इदां दे काम के सामने लिया जी देखो ये जिहड़े किन्ना बेअदबी हुई है ए पिछे तो उन्होंने बंद हाथ है जिन्होंने जिन्होंने सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है लगातार एलीगेशन भी अकाली दल वालों तो श्रोमणी कमेटी वालों लगाए जा रहे हैं कि कुछ क जड़िया फोटो आइडेंटीफाई की गई तो देखा होना एक वीडियो वायरल हुई है बिल्कुल जी बिल्कुल पहला एक वीडियो वायरल होंगी है जिस एक निहंग सिंह की कुटमार की जाती है टास्क फोर्स वालों देखो गुरविंदर जी इदा ये खाली पहली घटना नहीं टास्क फोर्स अज तो पहला कई बारी सिख संगत बहुत ज्यादा जाति उलझदी है हाँ जी बिल्कुल सही गल इतों तक कि जेडे अकाली दल अमृतसर के प्रधान ने सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने पार्टी नाल भी यह कि धक्का कर चुकी है क्योंकि अगर वो कि सही चीज़ को लैके उत्थे मुजाहदा करना चाहते हैं या अकाल तख्त साहब के जथेदार मिलना चाहते हैं और उत्थे मुजाहदा करते हैं तो यह जी टास्क फोर्स है एन जी पी सी की बंदे सामने आ जाते डांगा लैके अगर कुटना शुरू कर देने हूँ अगर दूजी पार्टी जी उन्होंने सामने विरोधी धिर खड़ी है या जिन्हों लड़ाई लैदे ने या जिन्होंने कुटते हैं उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ अगों करना है हूँ जी पिछले दो तीन दिन तो घटना चल रही है कंपलैक्स के उसे वो देखो निहंग सिंघां नूं किदां कुटिया गया मारिया गया उन्होंने खून लथपथ हो गई हो गई लेकिन किसे बंदे ने एस जी पी ना तो एस जी पी सिंह ने इस घटना की निंदा की ना अकाली दल ने की ना अकाल तख्त साहब के जथेदार ने इस गल का कि लिया कि नोटिस भी एक धार्मिक स्थान के इदा का जोड़ा कसर किया जा रहा है और जी टास्क फोर्स है वह सिखा नहीं कुटते सिख न कुटते बिल्कुल सही तो तुम दसो भी कितने खड़ी है सियासत कितने खड़ी है धर्म कितने खड़ा है और जी आम दुनिया जिन्होंने अं सिख संगत भी कहने जिदा श्री अकाल तख्त साहब से बहुत ज्यादा भरोसा है बिल्कुल सही गल और एस जी पी सी जी धार्मिक मामलों को कंट्रोल करती है उन्होंने भी वह सत्कार दिंदी है लेकिन जे उही उन्हां दी सुरक्षा या रख्या कदम च कामयाब नहीं होंगी या वो नाकाम रही है तो दूसरी वो लोग कितने जाएंगे कल तो अजिहा हो जाएगा भी कि ना लोग हो सकता है दरबार साहब जाना छड़ उ रोज लड़ाई झगड़े होंगे कि बंदा है जरा अपना उ सिर पड़वा जाएगा सही गल क्योंकि आम होंगे ही है लड़ाई जो दो तरह की होंगी है और तीजा बंदा जो छडाउन जाता तो उन्होंने ज्यादा सट्टा बजदियां ने जेडे एक्चुअल लड़ते होंगे ने खुश के हाथ कि हाथ मिला के कदम चल इस करके गुरविंदर जी ये जी सियासत और धर्म ये अकाली दल ने इकट्ठा किया और मजे वाली गल है भी सियासत नूं चलाने लई धर्म की आड़ होंगे और सब तो वड्डी गल है भी जेडे धर्म स्थान की गोलक है ओदा ही पैसा जिहड़ा अपनी सियासत उत्ते लाते हैं खाली सियासत के उत्ते ही नहीं ये लगाते अपने पर्सनल मुफाद लिए भी उन्होंने लोग सही गल है पर जिहड़ियां दो वीडियो वायरल होंदियां ने एक वीडियो वायरल होंदी है जिहड़ी हुण नवी होंदी है वीडियो वायरल जिस दे विच कहा जा रहा है कि टास्क फोर्स नाल उलझन की कोशिश जिहड़ी है वह सिख जथेबंदियां वल्लों कीती गई जदों उहदे विच सफल नहीं होए तो टास्क फोर्स ते इल्जाम लगा दिता गया तो टास्क फोर्स जिहड़ी उहदे साफ निहंग सिंह की कुटमार करती है दूजी वीडियो है जिस दे विच जिहड़ी एस जी पी सी वल्लों हुण जारी की गई है जिस दे विच कहा गया है कि जिहड़ी निहंग सिंह जथेबंदियां ने निहंग सिंह जथेबंदियां इत्थे आण के हुड़दंग मचबाजी कर रही ने वह आण के इत्थे तरह तरह के जौहर विखा रही ने दरबार साहब के परिसर के अंदर गुरविंदर जी इहदे विच एक गल बहुत स्पष्ट है जदों कितें कोई घटना होंदी है जदों तुसीं उत्थे मौके ते उहदी रिपोर्टिंग करन पहुँच जाओ तां जिहड़े उत्थे आले दुआले दे लोग होंदे ने उह बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन तुहानूं दस्सणगे सही गल और उह इह वी दस्सणगे वी कित्थे की कुछ होया उह किहड़े बंदे सामने आए किन्हां ने की कुछ कीता है बिल्कुल जदों तुसीं उह 24 घंटे पै जाण ਜਾਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਡੇਢ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ
वीडियो जारी की जो कुछ नजर आ रहा है साफ नजर आ रहा है भी ये बहुत पुरानी वीडियो है जिदे च कुछ लोग कंध के सरम के कंध के थलियों हो गए बचने की कोशिश कर रहे और एक गल जी अखबारों के भी फोटो छपिया ने साफ नजर आता पाया भी जेडे न्यंग सिंह उत्थे आए उन्होंने कुटिया गया टास्क फोर्स ने कुटिया और जिसलिए सारी घटना हो गई जी सिख संगत सी उन्होंने बचाते आई बिल्कुल अगर सिख संगत उन्होंने बचाते ना नहीं तो हो सकता जो सारे न्यंग सिंह से इस वे एक किस्म के शहीद ही हो चुके हाँ, बिल्कुल सही गल है अगर एस जी पी सी ने ट्रांसपोर्ट रखी है तो यह मतलब कि ना गुंडागर्दी कराऊगी सही गल एक पास से मीटिंग का दौर जारी है उस विवाद को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है एक पास हूँ वीडियो जारी कर दी जाती है फिर विवाद तो ठंडा होने का काम हो गया देखो वीडियो जारी करती है दूजे पास सारे पंजाब सिख जथेबंदियां जिन्हां विच जलंधर की सिख तालमेल कमेटी भी शामिल है उन्हां दा सीधा सीधा एलीगेशन यह है भी जदों ये विवाद खड़ा होया और सिख संगतां उन्हां लोकां दी मदद च आई जिहड़े इहदे सिख मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सुबदूपां दे लापता होण दी गल कह रहे सन और उन्हां लई एक जांच की मंग कर रहे सन तो वह सिख संघ ने भी जो ट्रांसपोर्ट से कुटना शुरू करता जी हथोंपाई हो गई तो उसे दसो भी यह जीडिया वीडियो हूँ नवी वायरल की जा रही ने आज की डेट में तो उन्होंने की तुक रह जाता उन्होंने की तत्थ है की सच्चाई है उन्होंने एक चीज़ है गुरु की जी पत्र रोली इन्होंने उसू बचाने वास्ते सिख जथेबंदियां धरना लाइदिया ने फिर उस तो बाद एक तरीके की दीवार खड़ी कर दी जाती है उन्होंने उत्थे पहला तो लौंगोवाल का एक बयान आता है कि दरबार साहब के अंदर धरना नहीं लाने दिता जाएगा एस जी पी सी आपकी खुद ही जगीर समझ बैठी है मैं लगता है गुरविंद जी ये गल तो बिल्कुल साफ है भी जो भी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बनता है वह कोई अपनी काबिलियत बिल्कुल बिल्कुल सही गल है अगर उन्होंने बहादुर परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है जो जो हाथ है वो सिर पर है तो वह प्रधान बन सकता है नहीं तो कर दू बैठे और देखो ये पिछले अवतार सिंह मक्कड़ से उन्होंने जो उन्होंने कोई हो सकता है कोई इन्होंने गलबात ना मनी हो गई तो उन्होंने चलता करता गया बिल्कुल सही गल गोबिंद सिंह लौंगोवाल आ गए इस पहला भी होर कई जिहड़े इन्हां दे प्रधान आए सही गल उन्होंने चलता करता नवे आ गए क्योंकि ये एक बादत परिवार की आदत है ज खासियत है कि जिहड़ा भी उन्होंने खिलाफ चलता उन्होंने वो नहीं सहन साइडलाइन कर देंगे और अगर बादलों की जेब के पिछों परची नाल एस जी पी सी का प्रधान निकलना है वह नाम निकलना है तो फिर यहोजे जे धार्मिक स्थान ने एस जी पी सी वर्गे जो संस्थावान ने जिन्हों मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता बिल्कुल कहा जाता यह चीज़ों की फिर हम आखिर यह विवाद किधर जाता देख रहे हो कोई यदा हल निकलेगा देखो यदा हल तो यही है कि लोगों जे अपने सिख जथेबंदियां ने उन्होंने पूरी तरह नितर के सामने आना पेगा जे अगर वो नहीं नितर के सामने आदियाँ तो वो आने वाला जो समा है उन्होंने बहुत ज़्यादा माड़ा होगा और उन्होंने जो एस जी पी सी श्री दरबार साहब जाना जोड़ा है वो भी मैं लगता भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर टास्क फोर्स एस जी पी सी पूरे हकूक दे दें तुम जो चाहो करो क्योंकि यह हम उ भी एक किस्म की डिक्टेटरशिप शुरू सही गल है और इस डिक्टेटरशिप के पिछे ये बादल परिवार है ये कोई लुकी हुई गल नहीं बिल्कुल तो हुण समा भी होर आपां नूं इजाजत नहीं दिंदा उम्मीद करांगे कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फेस मास्क मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री कैपेसिटी 500,000 मास्क पर डे। 2 and 3 ply डिस्पोजेबल फेस मास्क, 3 ply डिस्पोजेबल फेस मास्क विद नोज वायर, RN95 रेस्पिरेटर फेस मास्क, एडजस्टेबल नोज पीस फॉर अल्टीमेट कंफर्ट। For bulk order and more information, www.risely.org.